फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ ज़मीन पर बने एक बिल्डिंग पर आकर गिरती है, लेकिन ये चीज़ क्या थी फिलहाल हमें इस बारे में पता नहीं चलता। जब वो चीज़ बिल्डिंग से है तो आसपास एक घेरा बन जाता है जो बबल जैसा लग रहा था और कलरफुल भी था, जिसका नाम होता है शिमर। उस बिल्डिंग के आसपास काफ़ी ऊँचाई तक फैलता है और अब देखने में ये शिमर लग तो खूबसूरत रहा था, लेकिन जो भी इसके अंदर है वो वापस नहीं आता। फिर जब एक कंपनी को इस बारे में पता चलता है तो इस जगह को अपने काम के लिए कब्जे में ले लेती है, लेकिन कंपनी ने जिसे भी जैसी हेलीकॉप्टर जानवर इंसानों की टीम भेजी, कोई भी वापस नहीं आया, जिससे इन लोगों को दो ही जवाब मिल जाते हैं। पहला ये कि तो शिमर के अंदर कोई क्रिएचर है जो सबको मार डालता है, और दूसरा ये कि शिमर में जाने के बाद सब पागल हो जाते हैं, इसीलिए आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं। अब ऐसा करते करते 2 साल गुजर जाते हैं और तब कंपनी से लोग कुछ लोगों की टीम बनाते हैं जो शिमर में जाएंगे। इनमें एक आदमी था जो सोल्जर था, यानी कि सिपाही। वो इस मिशन का लीडर था। उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम लीना था। वो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो एक डॉक्टर थी जो बच्चों को भी पढ़ाती थी।